तुम वहाँ बैठी थे ना देखती उधर उसे मोबाइल में देखती जा जा देखो देख रहे हैं आपका आधा फेस आ रहा सुना अब हो गया अब हो गया दो मिनट में दाढ़ी बना लूँगा चलिए गुड मॉर्निंग सभी को आज हम लोग मैथ से क्लास स्टार्ट करेंगे और मैथ्स का भी हम लोग सिंपल सिंपल चीज पहले जानेंगे स्टार्ट करेंगे सिंपल चीज इक्वेशन हम लोग चैप्टर नंबर मैथ्स का एनसीईआरटी बुक जिनके पास है उसमें एनसीईआरटी बुक निकाल लें इसमें चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले समीकरण साफ सब दिख रहे हैं दो चर वाले समीकरण आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग जिनको कोई प्रॉब्लम हो उसे दिख रहे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हो वो उसमें लाइव चैट में अपना क्वेश्चन डालेंगे जिनको किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो लाइव चैट छुएंगे और उसमें वहां पर आपका तीन या तो लाइव चैट लिख रहा होगा या तो तीन का बिंदु ऐसे दिख रहा होगा इसको छुएगा तो लाइव चैटिंग स्टार्ट हो जाएगा आपको जो प्रॉब्लम हो या तो इसको छू के काम कीजिएगा या तो लाइव चैट में जाके क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका उसमें आने लगेगा चार्ज में चलिए लाइव चैट में हम लोग आज दो चर वाले समीकरण शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फोर इन दोनों से मिला के आपको कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा चैप्टर 3 और 4 को मिला करके तो आप लोग इस चैप्टर 3 और 4 को ध्यान से हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ठीक है सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले समीकरण चर जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं वेरिएबल ये चर होता क्या है सबसे पहले आते हैं हम लोग चर के बारे में जैसे क्लास 9 और 8 में हम लोग पढ़े हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब चीज को ये एक ऐसी हम लोग का ए बी सी डी का अल्फाबेट्स है एक ऐसा ए बी सी डी का अल्फाबेट्स है जिसमें कि ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी नंबर की जगह पर इंडिकेट करता है जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x = 4 तो x = कितना 2x = 4 तो x = कितना तो 4/2 काट दिए तो वैल्यू हो गया 2 यही अगर 2x = 8 लेते हैं और फिर पूछते हैं x = कितना तो 8/2 4 आया था मतलब x का मान कहीं पर 2 हमको शो कर रहा था कहीं पर 4 तो एक ऐसा मैथ्स में कोई भी ऐसा टर्म जिसका मान बार बार बदलते रहे अपने जगह पर मान उसका स्थिर न रहे उसे हम लोग चर कहते हैं तो यहाँ पर हम लोग दो चर वाले समीकरण के बारे में देखेंगे अब आवाज बंद हुआ जो आवाज हो रहा था बहुत वो आवाज खत्म हुआ लिखिए यस खाली वाई लिख के भेजिए वाई सेंड कीजिए कि हाँ खत्म हो गया सर अब ठीक आ रहा ठीक है देखिए अब शुरू कर रहे हैं हम लोग पास क्वेश्चन है 2x + 3y = 4 इस तरह का मेरे पास कोई क्वेश्चन समीकरण है एक समीकरण है जो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 शो कर रहा तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई दो ठो अच्छा ठीक है हम लोग के पास कोई समीकरण है 2x + 3y = 4 एक समीकरण है इसमें हम पहले आप लोग को बता चुके हैं एक चीज ध्यान रखिएगा एक्स वाई
जेड ए बी सी ये सब जो राशि हम लोग को दिखेगा क्वेश्चन में तो समझ जाएगा ये सब का सब चर है। चर का मतलब जो चलता फिरता हो, चर सके, ठीक है, इसका मान जो बदल सके एक्स वाई जेड। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर वन हम लेते हैं 2x + 3y = 4। इसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि एक्स और वाई दो अलग अलग टर्म यहाँ पर आ रहा है, एक्स और वाई दो अलग अलग टर्म आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर चर एक है, चर एक है कौन तो एक्स, और चर दो कौन है तो वाई। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण पढ़ेंगे। पहला चर में पास एक्स है और दूसरा चर जो है सो वाई है। इसके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चर एक में एक्स, चर दो में वाई और दो चर वाले समीकरण। और इसमें एक्स और वाई का हमको मान निकालना है। मेन काम क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए कभी भी एक समीकरण जितने चर होंगे उतने समीकरण चाहिए हमको। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं फिर एक 3x = 12, तो x = 12/3 ये नीचे चला जाएगा, तो तीन से काटेंगे 3 × 4 = 12 होते x = 4, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर एक चर था, एक चर तो एक समीकरण 3x = 12, लेकिन यहाँ पर दो चर है एक चर वाई, इसलिए इसका मान निकालने के लिए कम से कम दो समीकरण का हमको जरूरत पड़ेगा। सपोज करते हैं 4x + 5y = 16 है, मानते 4x + 5y = 16 और 2x + 3y = 4, समीकरण एक और समीकरण दो, मेरे पास दो समीकरण मिले। अब इनको हल करना है और इनका मान निकालना है, इनको हल करना है और इनका मान निकालना है। इनको हल कर पहले दो चर वाले समीकरण आप लोग का क्लियर हो गया। जैसे बुक में देखिएगा दो चर वाले समीकरण चैप्टर नंबर 3 में, दो चर वाले समीकरण चैप्टर नंबर 3 निकाल करके, इसमें आप लोग को बहुत सारा समीकरण दिया हुआ होगा क्वेश्चन, उसमें से पहला जो क्वेश्चन चैप्टर है एक्सरसाइज 3.1, में आते हैं। 3.1 में आपको ऐसा समीकरण बनाना है, समीकरण क्या करना है बनाना है। जैसे एग्जांपल में पहला क्वेश्चन आते हैं, कहता आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किताब से 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दो चर वाले समीकरण क्लियर हो गया ना सभी को, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि दो चर वाले समीकरण क्या होगा। ठीक है, अब आपको समीकरण बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग जा रहे हैं, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब दो आदमी है, कोई दो लड़का है, कहता आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब और उसकी पुत्री, आफ्ताब की पुत्री दो जन है यहाँ पर, दो लोग हैं। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले हम बात करते हैं कि आफ्ताब का आयु मानेंगे, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर 1 वर्ष और पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। सबसे पहले हम लोग इस तरह से मान लेंगे, सबसे पहला काम यही करना है। तो जब आफ्ताब की आयु माने 1 वर्ष और पुत्री की वाई वर्ष, तो अब क्वेश्चन में आते हैं, लिखेंगे यहां प्रश्न से कहता आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब x - 7, 7 वर्ष पहले जाएंगे, तो इसकी जो माने हैं ये यहाँ लिखेगा वर्तमान आयु, वर्तमान आयु पुत्री की, वर्तमान आयु y वर्ष। तो प्रश्न से x - 7 7 वर्ष पूर्व, तो y भी तो y - 7, अभी अगर y साल है तो 7 साल पहले। अब कह रहा है कि x - 7 ये जो है 7 साल पहले वो अपनी पुत्री से 7 गुनी था, इसका मतलब इसमें हम अगर 7 से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, x - 7 = 7 y - 7,
x माइनस सेवन माने आफ्ताब की आयु x है अभी, तो सात साल पहले x माइनस सेवन, अभी y है इसकी पुत्री की, सात साल पहले y माइनस सेवन, तो सात साल पहले ये जो था नंबर ये इसका सात गुना था, तो यहाँ सेवन से इंटू कर देंगे, ठीक है। अब सेवन से इंटू करके एक इक्वेशन बनाते हैं इसको, x माइनस सेवन इक्वल टू, इसको ब्रैकेट खोल रहे हैं, सेवन वाई माइनस फोर्टी नाइन, इसका मतलब x, इसको उठा के इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, x माइनस सेवन वाई इक्वल टू, सेवन को उधर ले आते हैं, सेवन माइनस सेवन जाएगा प्लस में जाएगा, तो सेवन माइनस फोर्टी नाइन मतलब हो गया, फोर्टी नाइन मतलब माइनस फोर्टी टू, ये हो गया समीकरण नंबर एक, समीकरण एक बना मेरा दो चर का पहला समीकरण। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, अब से तीन वर्ष बाद, अब से तीन वर्ष बाद फिर प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से तीन वर्ष बाद होता है x प्लस थ्री, तीन वर्ष बाद x प्लस थ्री, मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो y का भी तीन जोड़ेंगे, तीन वर्ष बाद तीन साल बढ़ न जाएगा, तीन वर्ष बाद का तीन साल बढ़ गया, तो वर्तमान आयु मेरे पास x और y था, तो x प्लस थ्री तीन साल बाद, y प्लस थ्री तीन साल बाद, तो ये कितनी गुनी रह जाएगा, तो तीन गुनी, तो यहाँ पर तीन से गुना कर देंगे और बीच में बराबर का इक्वल का चिन्ह बैठा देंगे। अब इसको हल करेंगे, x प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वाई प्लस थ्री वाई, थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री थ्री जा नाइन मतलब x माइनस थ्री वाई इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, तो प्लस नाइन माइनस थ्री इक्वल टू नौ से तीन गया छः, ये हो गया समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और समीकरण दो। इसको चाहे तो उलट पलट कर सकते हैं, तो ये माइनस फोर्टी टू हट जाएगा, एक्स माइनस थ्री वाई इसे बोलता है, इसको बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, तो ये जो मेरा पहला प्रेजेंटेशन हुआ वो बीज गणितीय प्रेजेंटेशन है, ये जो मेरा वो बीज गणितीय रूप में हुआ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कोई ज्यादा ही सड़ गया, दिखता नहीं है ना, ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका एक बीज गणितीय रूप हुआ, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट एक खींच लीजिएगा, इसको मिटाएंगे। चलिए हो गया, हो गया, तो वाई लिख के भेज दिया कीजिए। यस सर, हो गया, वाई खाली लिख दीजिए, हो जाएगा। अब इसका आते हैं ग्राफीय रूप में, अब आते हैं इसका ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचाता है, ये आप लोग क्लास में बताया जा चुका है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग। पहला मेरे पास आया था जो फॉर्मूला था वो था x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, देखिए ये मेरा पहला इक्वेशन आया था, इससे पहले ग्राफ खींचेंगे। इससे ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, x को इधर ही रख, उधर रख ले जाते हैं, या x को इधर ही रखते हैं, x इक्वल टू सेवन वाई प्लस में जाएगा माइनस फोर्टी टू। अब इसमें एक डब्बा बनाएंगे, बॉक्स, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। अब यहाँ पर दो वैल्यूज बैठाएंगे, पहले y इक्वल टू जीरो बैठाते हैं, जब y का मान इसमें जीरो होगा तो देखिएगा x इक्वल टू सेवन इंटू जीरो माइनस फोर्टी टू, मतलब x इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस फोर्टी टू। अब इसमें x इक्वल टू जीरो बैठाते हैं,
तो x इक्वल टू जब 0 बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू 7y माइनस 42। इसको डायरेक्ट इसमें भी काम कर सकते हैं, उतना कोई झमेला नहीं करना। ये इधर आएगा उठ के माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कट जाएगा 7 6 42, मतलब y इक्वल टू 6, x इक्वल टू माइनस 42, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू प्लस 6 आया। अब इससे ग्राफ खींचेंगे, ये x प्लस, ये x माइनस, इधर y प्लस, इधर y माइनस, इस तरह का ग्राफ होगा। अब ग्राफ में यहाँ नंबर बैठाते हैं, क्योंकि यहाँ 42 तक है, इसको थोड़ा सा लंबा लंबा बैठाते हैं, 5, 10, 15 सब माइनस में, 20, 25, 30, ये इसको और थोड़ा बड़ा बड़ा बैठा रहे हैं, इसको बैठा रहे हैं 7-7 से बैठा रहे हैं, -7, -14, -21, -28, -35, -42, इधर जो लेते हैं 7, 14, 21, 28, 35, इस तरह से और भी चलते रहेगा। इधर प्लस में ले लेते हैं y का 7, दूर लेते हैं 7, 14, 21, 28, इधर माइनस में ले लेते हैं -7, -14, -21, इस तरह से चलेगा। अब देखते पाला जब y 0 है तो y 0 मतलब ये लाइन, y 0 तो x कितना है 42, तो y 0 तो x 42, यहाँ पर इसको दोनों को मिलाएंगे और बिंदु बनाएंगे। दूसरा x 0 तो y कितना, x 0 मतलब ये लाइन तो y 6 प्लस में है, मतलब लगभग यहाँ 7 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद इसको मिलाते हुए स्केल बैठाएंगे और स्केल बैठा के इसको हम लोग मिलाते हुए खींच देंगे, ठीक है। ये लाइन इधर की ओर भी एरो मार देना है और इधर की ओर भी एरो मार देना है और इसमें लिख देना है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, इसके साथ लिख देना है। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? ये ग्राफीय रूप था, ये एक का बताया हमसे x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 का। अब इसका दूसरा इक्वेशन में आते हैं, दूसरा इक्वेशन था हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, अब इसका ग्राफ खींचते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं, अब इसके लिए आते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। इसमें फिर उसी तरह से बनाते हैं, पहले बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई, एक बार x इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 6, तो 3 2 6 मतलब y इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 2। उसके फिर इसी में बैठाएंगे आपके y इक्वल टू 0, x माइनस 3 × 0 इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 6, जब y 0 तो x कितना हो गया 6, इस तरह से बनाएंगे। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, हाँ लेके जाओ या पैसा ले। करना यह है कि दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही में खींचना है, हम लोग चूंकि मिटा दिए, जगह की कमी थी, इसलिए आप लोग को एक ही ग्राफ पेपर में, मतलब एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशन का आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा।
इसे बैठाते हैं, मान लेते हैं 7 लिए थे, 7 14 21 28 माइनस 7 माइनस 14 माइनस 21 इस तरह से x y माइनस y, ये लिखना जरूरी है, ये जरूर लिखिएगा x माइनस y। इधर भी लिए थे 7 14 21 इस तरह से, इधर माइनस 7 माइनस 14 माइनस 21 इस तरह से। अब इसमें हम लोग करते हैं, कनेक्ट करते हैं सबको, x 0 तो y माइनस 2, x 0 मतलब ये 9, y माइनस 2 मतलब यहाँ पर लगभग आएगा 7 के ऊपर। फिर यहाँ पर आते हैं x y 0 मतलब ये 9, तो x कितना है 6, y 0 तो x कितना है 6 यहाँ पर आएगा लगभग। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे और इसमें लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। हो गया, ये ग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया और आप लोग का एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया। समझ में आया ये? अब 3.1 में आप लोग काम ये एक तो क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम बना दिए हैं 3.1 में, आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये आप लोग का होमवर्क है। एग्जांपल का 1 2 और 3 एग्जांपल का और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये क्वेश्चंस है, ये आप लोग को बनाना है और इसमें जो प्रॉब्लम हो वो कल फिर इसी समय क्लास चलेगी उसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, चलिए।